शिक्षण विधि के बाद इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ लिया था पर्यावरण शिक्षण विधियों में, अब उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो प्रश्न बनाने की चरण, कि प्रश्न कैसे बनाया जाता है ये देखते हैं। प्रश्न बनाने के क्या चरण होते हैं? प्रश्न बनाने के प्रमुख चरण, यहाँ से देखिए आपके प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करें सीटेट की तो प्रॉपर सीटेट के लिए पढ़ा रहे, लेकिन अब यूपीटेट में भी शिक्षण को सम्मिलित कर लिया गया है, अब शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित कर लिया गया, इसलिए सभी जगह आपको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे पढ़ा जा सकता है सभी जगह पे। तो आइए देखते हैं, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं। जैसे पहले क्या करना, रूपरेखा तैयार करना या डिजाइन तैयार करना। तो इसमें देखा जाए पहले आपका जो आएगा ये आएगा वो क्या होगा, रूपरेखा, रूपरेखा बनाना, रूपरेखा बनाना या डिजाइन तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रश्न पत्र का डिजाइन तैयार करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना। फिर हम देखते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करना, क्या करना, ब्लूप्रिंट, ब्लू ब्लू प्रिंट तैयार करना, तैयार करना, क्या करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। फिर प्रश्न को लिखना, उसके बाद तो प्रश्न को लिखेंगे, फिर प्रश्न को लिखना, प्रश्न को लिखना, इसके बाद क्या करते हैं, प्रश्नों का संपादन भी करना, प्रश्नों का संपादन करना, प्रश्नों का संपादन करना, फिर प्रश्न संपादन भी करना होगा। फिर अंक योजना लिखना है, कौन से प्रश्न को कितने अंकों का लिखना है, अंक योजना क्या करना, लिखना या बनाना, अंक योजना बनाना या लिखना। ठीक, हमने देखा कि प्रश्न पत्र को बनाने के कुछ प्रमुख कितने होते हैं, कुल 5 चरण होते हैं। पहला रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, पहले कि प्रश्न कैसा होगा, कैसे बनेगा, फिर उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करना, कैसे कैसे किस तरह के प्रश्न होंगे, फिर प्रश्नों को लिखने का काम, फिर प्रश्नों को संपादन करना, फिर क्या करना, अंक योजना, कौन से प्रश्न को कितने अंकों की होगी। उसके बाद ये तो हो गया प्रश्न पत्र बनाने का तरीका। अब होता है प्रश्न पत्र के अलावा, ये क्या था आपका, प्रश्न पत्र से, प्रश्न पत्र था ये, प्रश्न पत्र बनाने का तरीका, प्रश्न पत्र बनाने का तरीका। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नों के प्रकार, कि प्रश्न कैसे कैसे होते हैं। अगला पॉइंट अगर हम लिखें तो प्रश्नों के प्रकार, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार की व्याख्या करें तो सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो ये प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुक्त अंत वाले प्रश्न, कैसा होते हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न, इसकी नोट्स बना लीजिएगा, और मुक्त अंत वाले प्रश्न ये अगर हम लिखेंगे वन में तो मुक्त अंत वाले प्रश्न, मैंने अगर ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिसके उत्तर मुक्त होते हैं, मैंने विद्यार्थी अपनी समझ से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए इसमें कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घर से आते हैं, तो एक विद्यार्थी सुन के सर मैं या कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सड़क पर से नहीं आते, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ कुछ लोग कहेंगे ना, तो इसमें क्या है सभी अभ्यर्थी उत्तर देंगे। जैसे यह पूछ दिया जाए कि क्या आज आपने खाना खाया है, किसी बालक से तुमने खाना खाया है, तुमने पानी पिया है, उसमें क्या होता है सभी अभ्यर्थी क्या होते हैं, उसमें क्या होता है जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न होता है ये किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, ये मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जिनमें सभी इसका जवाब दे लेते हैं, मैंने अपनी समझ से क्या करते हैं वो प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। फिर होता है एक बंद अंत वाले प्रश्न, देखते हैं अगर दूसरा देखा जाए तो बंद अंत वाले प्रश्न, जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं इसमें क्या होता है, इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं उनमें उत्तरों जो बालक होते हैं उनमें उत्तर जो चुनना पड़ता है वो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, उनमें से मतलब 4 में से एक सही होगा। जैसे पूछ दिया जाए ताजमहल किस जिले में है, हाँ आगरा, फतेहपुर, मैनपुरी, जौनपुर, उसमें क्या है, इसमें मतलब आपको ये चुनना है इन्हीं में से कोई एक प्रश्न हो सकता है, मैंने इसके अलावा इसका कोई उत्तर नहीं है।
ठीक, उसे कहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। अमुक्त वाले प्रश्न होते हैं जिसमें शिक्षार्थी या बालक स्वयं से अपने प्रश्नों का उत्तर देता है। इसके अलावा जो होते हैं, इसके अलावा भी प्रश्न के प्रकार होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक होता है अभिसारी प्रश्न। कौन सा होता है? अभिसारी प्रश्न। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभिसारी प्रश्न अगर देखा जाए, इसके अलावा तो अभिसारी प्रश्न होते हैं। अभिसारी प्रश्न की बात करें तो ये कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं, लेकिन इनका उत्तर एक सीमा के अंदर होता है। जैसे ये पूछ दिया जाए कि सूर्य किधर से निकलता है, सूर्य किधर से निकलता है, दिन रात कैसे होता है, सूर्य क्यों चमकता है, तो क्या हो गया कारण बताने वाले। तो कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं वो अभिसारी प्रश्न कहलाते हैं। अभिसारी प्रश्न क्या होता है लिख लीजिएगा, कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं। फिर होता है अपसारी प्रश्न। अपसारी हो गए बी, अपसारी अपसारी प्रश्न। अगला क्या होता है, ये अपसारी प्रश्न होते हैं। ठीक है, अपसारी प्रश्न का मतलब क्या होता है, ये कारण बताने वाले प्रश्न होते हैं लेकिन फिर भी इनका विश्लेषण मूल्यांकन संश्लेषण करने के पश्चात बालक अपने कल्पना से उत्तर देते हैं। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाए, तो बालक क्या करेंगे, अब वो इसका विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, संश्लेषण करेंगे, उसके पश्चात कल्पना के आधार पर उत्तर देंगे। तो क्या होता है, अपसारी प्रश्न कहलाते हैं। ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं, अपसारी प्रश्न कहलाते हैं। जैसे ये कह दिया जाए यदि पृथ्वी ना होती तो क्या होता, हवा ना चलती तो क्या होता, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता, अगर पेड़ भी चलते होते तो क्या होता। इन सभी प्रश्नों को बताने से, जैसे कारण बताओ वाले प्रश्न तो हो गए अभिसारी, ये कारण बताओ है, ये भी कारण बताओ है, लेकिन उसका विश्लेषण मूल्यांकन संश्लेषण करने के पश्चात अपनी कल्पना के आधार पर बालक क्या करते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं। ठीक, इससे क्या हो जाएगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब क्या होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं, तथ्यात्मक। अगर हम सी की बात करें तो ये होते हैं तथ्यात्मक। ठीक, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। ये तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्यात्मक होते हैं, तथ्यात्मक जो प्रश्न होते हैं, अच्छा तथ्यात्मक होते हैं, सॉरी तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक प्रश्न जो होते हैं ये तथ्यों पर होते हैं जिनके उत्तर सही या गलत होते हैं। मतलब जैसे होते हैं ना कि क्या सूरज पूरब से निकलता है, हाँ या ना, मतलब ये प्रश्न जो होते हैं वो तथ्यों पर होते हैं, हाँ सही या गलत होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मूल्यांकन वाले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो है डी, मूल्यांकन वाले प्रश्न, मूल्यांकन वाले प्रश्न। मूल्यांकन वाले प्रश्न की बात करें हम तो ये प्रश्न दो वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं। जैसे आदान और प्रदान के बीच में क्या अंतर होता है, तो दोनों में समानताएं क्या है, असमानताएं क्या है, दिन और रात में क्या समानताएं हैं, पूरब और पश्चिम में क्या समानताएं हैं, और रोटी सब्जी में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। माने ऐसे प्रश्न होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच तुलना प्रकट करते हैं, उन्हें मूल्यांकन वाले प्रश्न करते हैं। इनमें बालक काफी रुचि लेते हैं और रुचियों के साथ क्या करते हैं, उनके अध्ययन और अध्यापन की तथ्यों को सामने रखते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने आज इस टॉपिक को भी पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह लगातार क्रम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। आज थोड़ा सा वीडियो छोटा बन गया, बाकी वीडियो तो बड़े हुए थे, फिर भी अगर आपको बेहतर लगेगा तो इसके साथ ही अगर ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइन करना है उसके लिए आप 6306344367 पर ऑनलाइन कॉल करके ऑनलाइन क्लास और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करें दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इन्हें भी दुर्गेश साथ जुड़िएगा, और फेसबुक पेज पे इलेनी भी दुर्गेश भी आप वहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर आप इलेनी भी दुर्गेश कहीं भी सर्च, गूगल पे भी सर्च करेंगे हम आपको मिल जाएंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेज है और नोट्स भी उपलब्ध है। जौनपुर के साथ साथ बनारस में भी हमारी ब्रांचेज चल रही हैं। फिर भी यदि आपको लगता है नहीं ये बेहतर संस्थान है आपको जुड़ना चाहिए, तो पूरी तरह से जुड़ सकते हैं। और ये जो प्रश्न जो मैंने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट्स में बनाते चलेंगे आपकी एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाएगी, और कहीं ना कहीं यह मार्केट में मिलने वाली किताबों से बेहतर होगा, क्योंकि हमने भी किताबों से ही इनको खंगाल कर आपके सामने लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि सारे चीज़ें आपको क्रम बाइज क्रम समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी यदि किसी प्रकार कोई त्रुटियाँ छूटती हैं तो आप उसे भी
प्रॉपर रूप से तैयार करिएगा, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही आपको ये बताएंगे कि वास्तव में दुर्गेश सर जो पढ़ा रहे हैं उसका परीक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है अथवा नहीं, क्योंकि अब ये सी टेट के साथ साथ यूपीटेट, सुपर टेट, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो इसलिए यह आपके लिए और बेहतर तरीके से इसका अध्ययन अध्यापन करिए, हम आपके साथ हैं, आप अपना बेहतर देते रहिए, बेस्ट ऑफ लक और जय हिंद जय भारत। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मोस्ट वेलकम है आपका। फिर से एक साथ बेस्ट ऑफ लक।